अल्पाहार लिटिल मिलेट चीला। इसके लिए हमें चाहिए अल्पाहार का लिटिल मिलेट। एक कप अल्पाहार लिटिल मिलेट लें। इसे 2 कप पानी में 8 घंटे के लिए भिगो लें। भीगे हुए भगर से सारा पानी निकालकर उसे जार में डालें। अब इसमें 1/2 कप पानी डालकर इसको स्मूथ बैटर बनने तक पीस लें। ध्यान रहे कि पीसते वक्त इसमें 1/2 कप पानी से ज़्यादा पानी ना डालें, वरना बैटर पतला हो जाएगा। पीसे हुए भगर को एक कटोरे में डालें। चीले में डालने के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच धनिया और 1 कप कद्दूकस की हुई गाजर। पिसे हुए भगर में ताज़ी हरी धनिया पत्ती डालें, कद्दूकस किए हुए गाजर डालें, बारीक कटी हरी मिर्च और ज़ीरा डालें। स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालें। ये रेसिपी आप व्रत में भी बना सकते हैं। सभी चीज़ें मिलने तक अच्छे से चलाएं। नॉनस्टिक पैन पर तेल गरम करें। इसमें 1 कलछी बैटर डालें और गोल घुमाते हुए फैलाएं। मंदी आंच पर सुनहरा होने तक पकाएं। आंच को तेज ना करें, चीला मंदी आंच पर ही कुरकुरा बनता है। 1 कलछी की मदद से चीले के किनारे छुड़ाएं। चीले को पलट कर दूसरी ओर से पकाएं। कलछी से दबाते हुए चीले को 5 मिनट के लिए मंदी आंच पर दूसरी ओर से भी कुरकुरा होने तक पकाएं। अल्पाहार लिटिल मिलेट चीला तैयार है। इसे गरम गरम परोसें।